नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 12 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन होगा इसी महीने। अयोध्या मामले में आए फैसले के बाद राम मंदिर के गठन के लिए ट्रस्ट का आयोजन इसी महीने किया जाएगा। अभी तक इस ट्रस्ट के लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का मॉडल अपनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार ट्रस्ट में सदस्यों को आसानी से नामित कर सके। सरकार तिरुपति देवस्थान और श्री माता वैष्णव देवी श्राइनी बोर्ड सहित दूसरे ट्रस्ट का भी अध्ययन कर रही है। मांझी के बाद अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दिया राजद को आखिरी मौका। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन दल में फूट नजर आने लगी है। पहले ही हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी यादव को आखिरी मौका दिया है। सहनी ने कहा कि मांझी अभी भी महागठबंधन का अहम हिस्सा है। इतना ही नहीं, सहनी ने मांझी की तेजस्वी यादव से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को सही ठहराया है। ड्रोन उड़ाने के लिए बनाई गई डिजिटल मैपिंग। ड्रोन को उड़ाने को लेकर बिहार में, खासकर पटना में, कहां ड्रोन को उड़ाया जा सकेगा और कहां नहीं, इसका फैसला जल्द कर लिया जाएगा, जिसकी शुरुआत पटना से होगी। इसके तहत पूरे शहर की डिजिटल मैपिंग की जाएगी, जिसके आधार पर यह निर्धारित हो जाएगा कि कौन कौन से स्थान अति संवेदनशील और संवेदनशील है। इन स्थानों पर ड्रोन को उड़ाने पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। गृह विभाग ने राज्य में ऐसे संवेदनशील स्थानों को पहचान करने के लिए 1 से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। देश में अब बस एक ही मुद्दा होगा और वो है विकास का। चिराग पासवान। लोजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि देश विकास की राह पर चल पड़ा है। 3 तलाक और राम जन्मभूमि मामले जैसी समस्याओं का निराकरण हो चुका है, तो देश में अब सिर्फ और सिर्फ विकास की ही चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान का भव्य स्वागत पटना एयरपोर्ट पर किया गया, जिसके पश्चात चिराग पासवान ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। अब टी स्टॉल और ढाबों पर करना होगा एलपीजी गैस का प्रयोग। कोयला जलाने से काफी हानिकारक कण हवा में फैलते हैं, जिस पर नियंत्रण लाने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न गैस कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वो बेली रोड स्थित सभी रेस्टोरों और चाय स्टॉलों के मालिकों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया करवाए। साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर ने यह साफ कहा है कि कोयला के जलने से निकलने वाले हानिकारक कण सबसे ज्यादा आसपास रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम मेन रोड पर सभी रेस्टोरों और चाय के स्टॉल पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सोनपुर मेले का हुआ रंगारंग आगाज। सोनपुर मेले का आगाज हो चुका है, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया था। सोनपुर मेले के उद्घाटन पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजित कार्यक्रम में अनुराधा पोडवाल की गीत ने लोगों का मन मोह लिया। आपको बता दें, 32 दिवसीय इस मेले में प्राचीन धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसका असर राजस्व के बढ़ोतरी पर भी पड़ेगा। अंडर-23 मेंस वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 91 रनों से दी मात। ओडिशा के कटक में चल रहे अंडर-23 मेंस वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने सचिन के बेहतरीन प्रदर्शन से अरुणाचल प्रदेश को 91 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जिसके पश्चात बिहार ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की है। सचिन ने 76 रनों की पारी खेली और 2 विकेट भी लिए। वहीं मैदान गीली होने के कारण मैच देर से प्रारंभ हुआ, जिस कारण मैच को 34-34 ओवर का कर दिया गया। ज्ञात हो, बिहार का अगला मैच आज मेघालय के साथ खेला जाएगा। प्लास्टिक बैग के खिलाफ पटना में चलाया गया अभियान। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि को पटना में प्लास्टिक कैरी बैग के ताबड़तोड़ इस्तेमाल की जानकारी मिल रही थी। इसी के मद्देनजर पटना क्षेत्र में प्लास्टिक कैरी बैग पर लगाए गए पूर्णतः रोक के बावजूद इस्तेमाल किए जाने को लेकर दल द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके तहत बांकीपुर अंचल पटना नगर निगम में 150 दुकानों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान कुल 9 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया है, साथ ही 17,100 रुपए का चालान भी कटा है। सोनपुर मेले के मद्देनजर 11 से 13 नवंबर तक चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर मेले में यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 11 से 13 नवंबर तक करने का फैसला किया है, जिसमें मुजफ्फरपुर सोनपुर, छपरा सोनपुर और पाटलिपुत्र सोनपुर का नाम शामिल है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार के अनुसार सोनपुर मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन सोनपुर से 12:45 पर खुलेगी और लगभग 2:30 मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी के दौरान यह मुजफ्फरपुर से 2:45 पर रवाना होगी और 4:50 पर सोनपुर पहुंचेगी। जमीन रजिस्ट्री के नियमों में होंगे बदलाव। हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद अब सरकार नई जमीन रजिस्ट्री नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद अब कुर्सी नामा के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री करना संभव होगा। ज्ञात हो, बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत जिनके नाम पर जमीन का दाखिला खारिज है सिर्फ वही जमीन की बिक्री कर सकते हैं, जिसके बाद इस मसले को कोर्ट में ले जाया गया था और सुनवाई के बाद इस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया था। संजय करोल ने ली चीफ जस्टिस की शपथ।
पटना हाईकोर्ट के 43वें चीफ जस्टिस के रूप में संजय करोल ने शपथ ले ली है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस संजय करोल को शपथ राज्यपाल फागू चौहान ने दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल फागू चौहान के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, हाईकोर्ट के कई जज और बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए जाने से पहले संजय करोल त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तेजस्वी यादव द्वारा चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन मनाने पर भाजपा ने कसा तंज। कुछ दिनों पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन था। तेजस्वी के जन्मदिन से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर फैल रही है, जिस पर भाजपा नेता भी चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो अपना जन्मदिन चार्टर्ड प्लेन में मनाते नजर आ रहे हैं, जिस पर भाजपा के निखिल आनंद ने तंज कसते हुए कहा है कि भाई तेजस्वी, अफसोस है कि दलित पिछड़े व गरीब गुरबों की पार्टी के नेता नहीं, बल्कि बतौर युवराज और जमीन पर नहीं आसमान में आपका जन्मदिन मनाने की तस्वीर जनता के बीच साझा की गई है। दुखद है कि आपको इर्द गिर्द नेताओं, कार्यकर्ताओं का नहीं बल्कि खास लोगों का जमावड़ा है। राज्यपाल फागू चौहान करेंगे बीएड की छात्र छात्राओं का भविष्य तय। बिना आवंटन के महज काउंसलिंग के आधार पर छात्रों के एडमिशन लेने के वाक्यों पर अंतिम फैसला अब राजभवन करेगा। मतलब साफ है कि बीएड के छात्रों का भविष्य राज्यपाल फागू चौहान के हाथ में है। आपको बता दें, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कई बीएड कॉलेज ने बगैर आवंटन ही बीएड के छात्रों का नामांकन अपने कॉलेज में दर्ज कर लिया था, जिसके पश्चात जब परीक्षा फॉर्म भरने का समय आया तब इस हेराफेरी का अंदाजा लगाया गया। कैमूर जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। कैमूर जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। करकटगढ़, जलप्रपात, तेलहर कुंड, वन्यजीव अभयारण्य, माता मुंडेश्वरी का मंदिर, बख्तियार खां का रोजा, वैद्यनाथ मंदिर, हरस ब्रह्मा मंदिर जरूर घूमने जाएं। पटना से कैमूर जाने के लिए खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 6 से 7 घंटे का सफर करना होगा। पटना से कैमूर बाई रोड की दूरी NH 139 से 240.7 किलोमीटर है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया जदयू। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच जदयू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में संगठन और कार्यकर्ता ही पार्टी की प्राथमिकता होंगे। इनके बल पर ही जनता के बीच पार्टी जाएगी और नीतीश सरकार के काम के आधार पर मतदाताओं से वोट मांगेगी। चुनाव के लिए टिकट बंटवारे से लेकर संगठन के हर कामकाज में कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी। कुल मिलाकर संगठन में जान फूंकने के लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं की सक्रियता पूरी तरह बढ़ाने की योजना तैयार की है। भाजपा शिवसेना की फूट पर नीतीश कुमार ने कही ये बात। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की 30 साल पुरानी दोस्ती टूट चुकी है। दोनों पार्टियां अलग अलग सरकार बनाना चाहती हैं, जिसके कारण इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति मझधार में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की इस 30 साल पुरानी दोस्ती के टूटने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो भाजपा और शिवसेना का आंतरिक मामला है, हमारे कुछ बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौसम में बदलाव को देखते हुए रेलवे विभाग ने ट्रेनों के परिचालन में किया फेरबदल। मुजफ्फरपुर में कोहरा को लेकर रेलवे ने 3 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस संदर्भ में पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने सूचना जारी कर बताया है कि आनंद विहार से सीतामढ़ी जाने वाली 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक, सीतामढ़ी से आनंद विहार तक जाने वाली 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस 17 दिसंबर से 1 फरवरी तक, अम्बाला से बरौनी जाने वाली 14524 हरिहर नाथ एक्सप्रेस 17 दिसंबर से 28 जनवरी तक, बरौनी से अम्बाला जाने वाली 14523 हरिहर नाथ एक्सप्रेस 19 दिसंबर से 30 जनवरी तक रद्द करने का फैसला किया गया है। झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी लोजपा। झारखंड चुनाव के मद्देनजर एनडीए दलों में फूट नजर आने लगी है। पहले जदयू ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, मगर अब लोजपा ने भी जदयू के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। लोजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष चिराग पासवान के ऐलान ने झारखंड में होने वाले चुनाव में बेहद ही रोमांचक मोड़ ला दिया है, जिसके तहत उन्होंने यह साफ कर दिया है कि लोजपा अब भाजपा संग चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा के साथ बेहतर तालमेल नहीं बन पाने की वजह से लोजपा महज 37 सीटों पर अब अकेले चुनाव लड़ेगी। UIDAI ने किए आधार कार्ड के नियमों में बदलाव। आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। UIDAI ने आपके पहचान पत्र से जुड़े नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। UIDAI के जारी सर्कुलर के मुताबिक अगर आपको अपने आधार कार्ड में पता, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक्स में किसी भी तरीके का बदलाव कराना है तो उन्हें नए नियमों के अनुसार पैसे जमा करवाने होंगे। सर्कुलर के मुताबिक नाम, पता, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर में बदलाव कराने पर 50 रुपए देने होंगे, जिसके लिए पहले महज 25 रुपए देने पड़ते थे। इसके अलावा फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स और आईरिस में बदलाव करने पर भी 50 रुपए की राशि जमा करवानी होगी।
महागठबंधन को लगा एक और झटका। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे महागठबंधन कई हिस्सों में बढ़ता नजर आ रहा है। पहले मांझी और वीआईपी ने महागठबंधन को अपने तेवर दिखाए थे, अब राजद भी महागठबंधन को तीसरा झटका देने जा रहे हैं। पार्टी ने 13 नवंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में पूर्ण रूप से शामिल नहीं होने का फैसला सुनाया है, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि अभी राजद के सभी नेता और कार्यकर्ता संगठन चुनाव में व्यस्त है, लिहाजा हमारी पार्टी उतनी मजबूती से महागठबंधन के प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होगी। दिसंबर महीने से 3 ट्रेनों में बढ़ाई जाएंगी स्लीपर क्लास की बोगियां। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भागलपुर के रास्ते हावड़ा से गया के बीच चलने वाली हावड़ा गया एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनों में दिसंबर से एक एक स्लीपर कोच बढ़ाने का फैसला किया है। कोच की संख्या बढ़ने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। स्लीपर कोच की सुविधा 1 दिसंबर से मालदा पटना त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस में, 6 दिसंबर से मालदा आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस में और वहीं 1 दिसंबर से हावड़ा गया एक्सप्रेस में शामिल किया जाएगा। रोहित शर्मा के बाद सुनील गावस्कर उतरे ऋषभ पंत के बचाव में। T20 के कप्तान रोहित शर्मा के बाद अब पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत की खराब फॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विकेट कीपर की जॉब बहुत मुश्किल होती है, ऐसी जॉब जिसकी कोई सराहना नहीं होती। ऐसा ही कुछ ऋषभ पंत के साथ हो रहा है, लेकिन वे बल्ले से लगातार नाकाम हो रहे हैं, जिस पर उंगली उठना लाजमी है। अगर वह 10 बार अच्छा करता है और 1 बार गलत तो सब इसकी ही चर्चा करने लगते हैं। पंत को खुद को साबित करने के लिए और भी मौके दिए जाने चाहिए। आयुष्मान की बाला बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाल। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला ने ओपनिंग वीकेंड में वाकई धमाल मचा दिया है। रिलीज के 3 दिन में इस फिल्म ने 40 करोड़ से अधिक कमाई करके शानदार शुरुआत की है। ज्ञात हो यह फिल्म 8 नवंबर को सिनेमा घरों में लगाई गई थी। फिल्म ने पहले ही दिन 10.15 करोड़ की शानदार ओपनिंग की, जो कि आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई है। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ सुबह के वक्त धुंध रहने के आसार है, साथ ही मौसम सामान्य रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के ही आसार है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नहीं चलाए जाएंगे नाव। कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए छठ के बाद एक बार फिर से पटना में गंगा घाटों पर नहीं चलाए जाएंगे नाव। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और पूजा पाठ का काफी महत्व है, ऐसे में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखकर यह आदेश पटना सदर के SDM कुमारी अनुपमा सिंह ने जारी किया है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे नए YouTube चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।